हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके मैट्रिक 2.0 यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं शामिल करता हूँ। और ऐसा क्वेश्चन मैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम से ही मैं लिया हूँ, जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों आप लोग जब इस एग्जाम में देखोगे तो आप डर जाओगे और कहोगे लास्ट में कर लूँगा, बट ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को लाइन बाई करना है और आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, बिल्कुल ट्रिक से। मात्र आप आँख को झपकाएंगे, पलक झपकाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक्स प्लस फोर अपान एक्स इक्वल टू, तो 15x अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12 का मान बताइए। दोस्तों ऑप्शन ए है 15/8, ऑप्शन बी है 25/24, ऑप्शन तीन है 2, ऑप्शन चार है 6। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल ट्रिक है, देखिए क्या है। पहले हम ये लिख लेते हैं, एक्स प्लस फोर अपान एक्स इक्वल टू। दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपान एक्स इक्वल टू। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू एक्स। हमारे यहाँ से 2x का वैल्यू निकला इतना। दोस्तों आप लोग यहाँ से देखिए 2x हमारा कितना है, 2x हमको मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इतना हमको मिल गया है। दोस्तों अब क्या कर लेते हैं हम, जो हमको नेक्स्ट दिया गया किसका जिसका वैल्यू बताना है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें वैल्यू किसका बताना है, हमें वैल्यू बताना है 15x अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12। और दोस्तों हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप 50x अपान 3x स्क्वायर प्लस 12 है, इसे पहले लिख लेते हैं हम प्लस 12 प्लस 2x। ओके फ्रेंड, ऐसा हमने कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 50x अपन क्या कर देंगे, यहाँ से हमें 3 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 कॉमन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4×12 यानी कि 4 प्लस 2x। अब हमें क्या मिला फ्रेंड, ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा एक स्टेप और है हमारा, तो 50x अपान 3 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर का वैल्यू हमारे यहाँ से कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का वैल्यू कितना है हमारा 2x। 2x को हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 2x प्लस 2x एक स्टेप और। अब देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 50x अपान 4×12 12x प्लस 2x। ओके फ्रेंड, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 15/12x प्लस 2x है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या हो जाएगा यहाँ पर 15x अपान 12x प्लस 2x को जोड़ेंगे कितना होगा 14x इक्वल, यहाँ से x और x कट जाएगा तो मिलेगा हमें 15/14, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 15/14, जो ऑप्शन नंबर सी 4 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा 15/14। दोस्तों इस क्वेश्चन को करके हम आसानी से 4 नंबर अपने पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जुटा सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल ज़रा सा ट्रिक और मैं बता दूं, तो ट्रिक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ट्रिक कितना अच्छा है कि हमें डायरेक्ट यहीं से हमें देखती है, हमें यहाँ से हमें 2x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर हम यहाँ से एक्स इसमें गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा हमारा 2x, 2x हो गया है ना फ्रेंड। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 2x को यहाँ हमारा 2x यहाँ मिला है ना फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मिला 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 2x, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। यहीं पर हम अगर फाइंड कर दें, अगर यहीं पे हम क्या करें 3x स्क्वायर प्लस 12 को यहाँ लिख लें, अपने मन में ही इस कैलकुलेशन को कर लो, क्यों ना क्यों हम इतना करेंगे, ज़्यादा समय लेगा और हमें समय बचाना है। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में 3 घंटे की समय रहती है, उन 3 घंटे के समय में हमें 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा
हमें क्या करना है, मैथ करना है। तो एक घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों ना हम बचा कर अपने मैथ में लगा दें और मैथ को अच्छी तरह से करके, अगर मैथ्स को अच्छी तरह से करके आएंगे 50 क्वेश्चन होता है मैथ में, अगर हमें 50 क्वेश्चन में से हम अगर 50 क्वेश्चन मिनिमम 50 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन हम मैथ में सही कर देते हैं तो हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 120 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, 120 नंबर। हमारा एक क्वेश्चन पर आंसर नंबर होता है 4 नंबर का, तो हमें कितना नंबर मिल जाएगा, 120 नंबर। मैथ से हमारा 120 नंबर मिल गया। और वही रहता है हमारा 25 नंबर फिजिक्स रहता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है। तो 25 क्वेश्चन में से क्यों ना हम अगर इसमें से हम 20 क्वेश्चन कर देते हैं, सपोज कीजिए अगर हम 20 क्वेश्चन कर दिए हम, तो हमारा 20 क्वेश्चन का कितना नंबर हो गया फ्रेंड, तो हो गया हमारा 4 × 8 यानी कि 80 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया, 80 नंबर। वहीं 25 नंबर केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, 25 में ज़्यादा मत करिए आप, 10 ही क्वेश्चन करिए ना, 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं कितना हो जाएगा, 40 नंबर। अब देखिए 120 80 कितना हुआ, 200, और 200 हमारा कितना हो गया, ये 200, ये कितना हो गया 40, 240 नंबर। हमारा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में 240 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, अभी ये भी कोई खराब नंबर नहीं है, बहुत ही अच्छा नंबर है 200 है। यहाँ हम 400 में से 240 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है दोस्तों। हमारा क्यों नहीं केमिस्ट्री में हम और मेहनत कर देंगे, हमारा 10 क्वेश्चन क्यों सही होगा, 25 में से हमारा 25 क्वेश्चन सही हो सकता है, यहाँ 25 में से 25 सही हो सकता है, यहाँ 50 क्वेश्चन 30 कहाँ सही होगा, जब हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही होगा नहीं, अब 50 क्वेश्चन हमें क्या करना है, 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को सही करके आना है, क्योंकि हम NKMET 2.0 के सब्सक्राइबर हैं, इसलिए हमें 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को करके आना है। दोस्तों ये ठान लीजिए आप कि आप हमारे एनकेमेट्रिक चैनल के फैमिली के रूप में हैं, तो दोस्तों आपको ये 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करके आना है, और हमें 500 को 20 यानी 200 नंबर हमें लेकर आना है। मैथ में हमें 200 नंबर लाना है, मैथ में अगर आप 200 नंबर लाते हैं बहुत ही अच्छा नंबर है 200 नंबर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इन सभी की PDF लेना चाहते हैं और हमसे बातें करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं।